20 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह देने वाली तुनिसा शर्मा आज सभी के दिलों में अपनी छाप छोड़ गई, जिन्हें सभी आज भी मिस कर रहे हैं। और तुनिसा शर्मा के इस सुसाइड पर सभी टीवी सितारे अपने अपने रिएक्शन दे रहे हैं। तो इसी बीच टीवी इंडस्ट्री के हैंडसम अभिनेता फहमान खान ने एक हैरान कर देने वाला रिएक्शन दिया है, जिसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर जानना चाहते हैं आप भी कि फहमान खान ने क्या कहा है, तो जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साल 2022 में एक और जहां मनोरंजन जगत कई सितारों के लिए कई मायनों में अच्छा रहा, तो वहीं दूसरी ओर ये साल मायूसी भरा भी रहा। दरअसल इस साल टीवी जगत ने अपने कई सितारे हमेशा के लिए खो दिए, जिन सितारों की कोई उम्मीद ही नहीं थी। वहीं इसी बीच दुनिया को छोड़कर चल बसी तुनिसा शर्मा, जिन्होंने अभी दुनिया में कुछ भी नहीं देखा था, किसी को क्या पता था कि वो इतनी सी उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। न जाने ऐसी क्या वजह रही कि तुनिसा ने खुद को फांसी लगा, लेकिन आज भी हमेशा हमारे दिलों में बसती हैं उनकी याद, हमेशा हमारे जहन में रहेगी तुनिसा शर्मा के इस सुसाइड पर। इनके फैमिली से लेकर इनके फ्रेंड्स भी अपने रिएक्शन दे रहे हैं। तो वहीं टीवी जगत के आर्यन सिंह राठौर यानी फहमान खान ने तुनिसा शर्मा के सुसाइड की खबर सुनी, तो इनका कहना था कि मुझे नहीं पता था कि तुनिसा इतनी जल्दी हार मान जाएगी। हालांकि पर्सनली मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन मेरी जितनी भी मुलाकात उनसे हुई है वो ना भुलाने वाली है, क्योंकि वो ऐसी इंसान थी जो किसी से भी मिलकर उसे खुश कर देती थी और कभी भी उदास नहीं होने देती थी। मुझे अफसोस है तुनिसा के इस तरह इस दुनिया से चले जाने का। आई एम सॉरी तुनिसा। वेल दोस्तों, फहमान खान का ये रिएक्शन जानकर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।